किसी सेलिब्रिटी की फोटो दिखाए होते हैं जैसे कि राउंड ओवल डायमंड्स, कॉमन आदमी है हम लोग, कैसे इजीली समझे, लाइटिंग रखी रूम में, एक सेकंड में बता दिया आपका फेस टाइप क्लियर कराते हैं, रेजर मरवाते हैं कहीं फोरहेड पे, ऊपर कांटे जैसे बाल और वो एक अच्छा परफेक्ट फेड लगे। Hey guys, welcome back to my channel. This is Karan S. Dhingra, your own The Formal Edit. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का टॉपिक है वो परफेक्ट हेयर कट। लड़के के पास ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए होता नहीं है, बट हेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अच्छा हेयर कट है तो वो 5 से 10, 50 से 100 यहां तक आपकी लुक्स पहुंचा सकता है। आप बोलेंगे बार्बर पर डिपेंड करता है, नहीं, पार्शली 20% आपके बार्बर पर या नाई पर डिपेंड करता है, बट 80% डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू गाइड हिम, कैसे आप उसको बताते हैं कैसे बाल काटने हैं कैसे नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक सलून 50 से 100 रुपए में जहां पे बाल मैं खुद कटवाता हूं, वो आपको कैसे ले जा सकता है वो हजारों वाले हेयर कट के पास। आइए बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इस 15 मिनट पहले शैम्पू हेयर कट से पहले जब भी आप नाई के पास जाते हो हमेशा आपसे पूछता होगा भैया क्या शैम्पू कर दूं, उसका एक वैलिड रीजन है। जब आप सो के उठते हैं आपके बाल चिपके होते हैं, अनइवन होते हैं, अगर उन बालों में आपके बाल काटे तो गलत कट सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकती है उसकी लेंथ, और क्या हो सकता है अगर आपने एक दिन पहले कोई प्रोडक्ट लगाया, स्प्रे लगाया, वैक्स लगाया, उससे क्या होगा बाल चिपके रहते हैं, ऑयल प्रोडक्शन जब स्कैल्प पे ज्यादा रहता है बाल चिपके रहते हैं, सीजर्स अच्छे से नहीं चलती, बाल गलत कट सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप घर से या वहां पे जाके शैम्पू 15 मिनट पहले करें फिर हेयर कट कराएं। दोस्तों गलती ये है कि अब आप अपने नाई के पास जाते हैं, बोलते हैं छोटे कर दो या मीडियम कर दो, आप स्पेसिफिकली उनको नहीं समझाते आपके फेस पे क्या ज्यादा अच्छा लगेगा, आपका फेस निखर के कैसा आएगा। और सबसे बड़ी गलती क्या है, अब जब जाते हैं किसी सेलिब्रिटी की फोटो दिखा देते हैं भैया ये वाला हेयर कट जयान मलिक जैसा कर दो, वो तो नहीं निकल के आएगा, रोहित या मोहित मलिक जरूर निकल के आ जाए उसके अंदर से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनका फेस का जो शेप है और आपका फेस का शेप है वो बिल्कुल अलग हो सकता है, उन पे जो अच्छा लगता है वो हो सकता है आप पे अच्छा ना लगे। 6 टाइप फेस शेप्स होते हैं जैसे कि राउंड ओवल डायमंड स्क्वायर और भी बहुत सारे, आपको अपना फेस का शेप आइडेंटिफाई करना है उसके हिसाब से हेयर कट बताना है, उससे क्या होगा आपकी लुक्स चली जाएगी फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब हेयर स्टाइल के गेम में गेम चेंजर चीज क्या होती है, अपने फेस शेप को आइडेंटिफाई करना, ना कि उसके हिसाब से हेयर स्टाइल निकालना, दैट्स प्रीटी मच इजी वो निकालना, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है क्योंकि 6 फेस टाइप्स है, आप अलग अलग डायमेंशन एंगल, अब किसी के पर फ्रंट इतना जाएगा, बैक के बाल इतने अच्छे लगेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, कॉमन आदमी है हम लोग कैसे इजिली समझे, मैं बताता हूँ। सबके पास एक फोन तो होगा दोस्तों, आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं उसमें एक सेल्फी कैमरा तो होगा बेसिक सा, अब आपको क्या करना है है, जो एक्सपर्ट्स ने ऐप डेवलप करी है फ्री उसको लेना है, रिसर्च करी है बहुत आप लोगों के लिए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, एंड्रॉइड है तो ये वाली कर लेना, आईओएस है तो ये वाली कर लेना। ऐप डाउनलोड कर ली, सेल्फी कैमरा खोला, फेस को एकदम स्ट्रेट रखा, कोई हंसना नहीं है, एक फीट दूर हाथ रखा, अच्छी लाइटिंग रखी रूम में, एक सेकंड में बता दिया आपका फेस टाइप क्या है, थैंक यू बाद में बोलना। उसके बाद पता है क्या है, आपको जाना है गूगल पे, कीवर्ड सर्च करने हैं आपको मेंस हेयर स्टाइल, जो आपको ऐप ने बताया आपका फेस टाइप, मेंस हेयर स्टाइल ओवल, अगर आपके बाल थिक हैं तो थिक लगाइए, थिन है तो थिन लगाइए, उसके आगे भी आप कीवर्ड लगा सकते हैं अगर आपके ऑफिस के हिसाब से थोड़ा फॉर्मल लुक चाहिए, एग्जैक्टली आपके फेस के हिसाब से हेयर स्टाइल्स आ जाएंगे हजारों, जो आपको परफेक्ट लगता है वो अपने बार्बर या नाई के पास लेके जाए। अगर आपकी मीडियम या शॉर्ट लेंथ है तो एक गलती बहुत लोग करते हैं, जब हम फेड कट साइड से, उसको फेड डिस्कनेक्ट कहते हैं, अब गलती क्या होती है, अगर आपको अच्छा फेड कराना है तो नीचे हमेशा ट्रिमर यूज करवाएं, 1 से 1.5 नंबर मैं रखवाता हूं इसलिए क्योंकि 0 या 1/2 नंबर क्या है, कभी कभी मीटिंग्स या फॉर्मल्स पे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी कहीं लोगों को ऑफिस जाना होता है वो इतना प्रेजेंटेबल नहीं लगता, तो 1 से 1.5 नंबर मैं नीचे ट्रिमर लगवाता हूं कान के पास और उसके ऊपर सीजर से जॉइनिंग करवाता हूं, और जो ऊपर की लेंथ होती है वो यूजुअली डबल होती है मेरे कान के पास के जो बाल हैं। और एक चीज का ध्यान जरूर रखना है जो आपको कन्वे करना है, बताना है अपने बार्बर को, क्या, क्योंकि ये नाम ही है डिस्कनेक्ट जो फेड है, इसका मतलब जो बीच में लाइनिंग नहीं बननी चाहिए, अच्छे से सीजर्स मारे जिससे डिवीजन पता ना लगे और वो एक अच्छा परफेक्ट फेड लगे। क्लासी हेयर कट की एक टिप बता देता हूँ, आप लोगों ने ज्यादा नोटिस नहीं करा होगा इस चीज को, लेकिन एक चीज हमेशा अपने नाई को बताएं कि जो कान के पास जो उस तरह से सफाई होती है, जो कट लगता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा स्किन ना दिखे अगर आपको दूर से देखे, वो कट एज क्लोज टू आपके कान होना चाहिए, अगर जितना पास होगा उतना आपका हेयर कट शार्प और क्लासी लगेगा।
आपको एक और हैक बताता हूं जो पीछे या बैक गर्दन के पास से लोग क्या करते हैं, पीछे कट लगवा लेते हैं स्ट्रेट, विच इज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं लगता। मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा, अगर क्लासी लगना है तो आप क्या कराइए, इसको फेड कराइए और कोई कट ना लगवाइए। रीजन दो है, पहला आपका जो कट है लुक्स वेरी ओल्ड फैशन, और दूसरा क्या है, जब उस पर बाल आने लगते हैं तो वो गंदा गर्दन पे छोटे छोटे चुभने वाले बाल दिखते हैं, दैट इज नॉट प्रेजेंटेबल एट ऑल। तो उसको फेड कराइए जो लॉन्ग टर्म भी अच्छा दिखेगा और क्लासी भी लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट हैक बताऊं आपको, आप जब भी बाल कटवाने जाए उसके बाद एग्जैक्टली जैसे आप पार्टी में सेट करते हैं, आपको डिजायर्ड हेयर स्टाइल चाहिए वैसे वहीं पे सेट करिए जरूर। मैं हर बार करता हूं, कोई भी कमी होती है, बाल निकल रहा है, कहीं से ज्यादा लेंथ है, वो परफेक्टली उसी टाइम ठीक हो जाएगी और 25 से 30 दिन आपके बाल परफेक्ट लगेंगे। और एक और चीज का ध्यान रखें, ऊपर के जो बाल होते हैं मैं हमेशा अपने नाई को बोलता हूं आधा इंच उसको ज्यादा रखें। क्यों? क्योंकि बाल छोटे से बड़े नहीं हो सकते, लेकिन बड़े से छोटे हमेशा हो सकते हैं, जिससे आपको एक परफेक्ट हेयर स्टाइल मिलेगा। कई लोगों के फोरहेड पे बाल आते हैं हेयरलाइन से नीचे, उसको लोग क्लियर कराते हैं, रेजर मरवाते हैं कहीं फोरहेड पे, कई लोग ट्रिमर मरवाते हैं। प्लीज करवाना बंद कर दीजिए, क्योंकि 2-3 दिन तो वो बहुत क्लीन लगता है और 4th-5th दिन बाद में आधे टाइम वो क्या होता है, ऊपर कांटे जैसे बाल दिखते हैं, दैट इज अ बिग टर्न ऑफ। आपको ये नहीं कराना, आप थ्रेडिंग कराइए, हल्का सा पेनफुल रहेगा लेकिन वो क्लियर रहेगा और कांटे जैसे बाल नहीं निकलेंगे। सो प्रेफर थ्रेडिंग ओवर ट्रिमिंग और रेजर। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया हाउ टू अचीव अ परफेक्ट हेयर कट, लेकिन दोस्तों आपको मैंने बहुत ब्रेक डाउन करके स्लो समझाया, इसलिए आपको लग रहा होगा बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। नहीं, आप एक चीज हमेशा याद रखिए, अपना बार-बार नाई बार-बार चेंज मत करिए, एक बार सिर्फ 10 मिनट इन्वेस्ट करिए ये पॉइंट समझाने में, एंड हमेशा आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे हेयर कट खराब हुआ, एंड हमेशा आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट जो चाहिए, जो परफेक्ट हेयर स्टाइल चाहिए, हमेशा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करना मत भूलना नेक्स्ट टॉपिक का नाम, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करें।